हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, मैं मंगलाल चौधरी जनरल साइंस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हूं जनरल साइंस का टॉपिक लेकर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इस डिजिटल क्लास के जरिए आपकी एक एक दिमाग के अंदर इमेज सेट करूंगा। इससे पहले कई सारे वीडियो देखे होंगे आपने, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके बीच में जनरल साइंस का वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस क्लास के जरिए आप लोग बिल्कुल दिमाग में सेट रखेंगे, इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग सुनेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से इमेज बनेगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। कई बार एग्जाम के अंदर टू दी पॉइंट क्वेश्चन आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और जब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो शायद आपके दिमाग में सीधी इमेज बनेगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक चीज के अंदर पार्ट में अगर समझते हैं अपन, सारी चीजें क्लियर करते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने है, ये आपके स्क्रीन के सामने है, दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, शायद आपको समझाऊं, तो ये वाला आपके दिमाग में सेट होगा, दिस इज वेन। ध्यान से सुनना, This is veins, this is arteries, this is heart. ये वाला heart आपको indicate कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं अगर थोड़ा सा systematic तरीके से आपको समझाता हूं तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होगा कि अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर बात करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसका मतलब आपके दिमाग में मैंने ये सेट किया है। और अगर बात करते हैं तो ये माउथ कैविटी जिसको आप लोग बोलते हैं मुख गुहा, ये इसी के अंदर आपको स्टमक जिसको आप लोग आमाशय बोलते हैं, देन उसके बाद में छोटी आंत स्मॉल इंस्टेंटाइन और दिस इज लार्ज इंस्टेंटाइन और इसी को आप लोग बोलते हैं, ये कहलाता है लीवर। दोस्तों ध्यान से देखना, यहां पर बात करते हैं दोस्तों, शायद आपको पता चल जाएगा कि सर ये वाला पार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों से होता हुआ प्रॉपर तरीके से नीचे उतरता है, तो सर आपको पता भी चलेगा। लेकिन जब मैं इसमें ये परिसंचरण तंत्र की अगर बात करता हूं, रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर बात करता हूं, आपके द्वारा लिया गया भोजन, भिंडी टिंडी रायता कोई भी आपने लिया, तो सीधा भोजन को आपने मुख गुहा के अंदर प्रवेश कराया, सीधा भोजन मुख गुहा के अंदर प्रवेश कराया। ध्यान से देखना, सीधा भोजन गया मुख गुहा के अंदर। और जब मुख गुहा के अंदर चला जाता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, मुख गुहा के अंदर प्रवेश करता है तो आपके शरीर से यह भोजन धीरे 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 नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर छोटी आंत में स्मॉल इंस्टेंटाइन में और फिर सुबह मल के रूप में रेक्टम के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन आपके द्वारा जो भोजन में लिया गया जिसके अंदर पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचते हैं। और जब बॉडी के विभिन्न पार्ट तक पहुंचते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जहां जहां बॉडी के विभिन्न भाग तक न्यूट्रिएंट पहुंचे हैं, तो इसका मतलब उसके पहुंचाने के लिए कुछ तो सिस्टम होगा। तो लिया गया भोजन के पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचाना, ऐसे बड़े तंत्र को आप लोग किस नाम से जानते हैं? यही सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसको शायद आप लोग बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, शायद आप लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आपने बोला होगा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने सारा चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है कि यह हृदय से पंपिंग होती है और शरीर के विभिन्न भागों तक, इसका मतलब सिरा और धमनियों से, आर्टरी और वेन से होता हुआ शरीर के बॉडी के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचता है, यह सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए हृदय की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। भाई, ब्लड को हमारे शरीर में बॉडी में विभिन्न भाग तक पहुंचाना है, तो विभिन्न भाग तक पहुंचाने के लिए पंपिंग जरूरी होती है, पंपिंग के लिए हृदय होता है। और अगर मैं हृदय का डायग्राम आपके सामने बनाऊं दोस्तों, तो ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, तो सबसे पहले अगर हृदय का अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, एक एक पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, यहां से होता हुआ ये वाला पार्ट और इस तरीके से इसको घुमाकर ऐसे बनाया।
दोस्तों ध्यान से देखना, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ, ऐसे मैंने डिजाइन किया। लेकिन जब दोस्तों मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में सेट करता हूं तो वो सीधा सेट आपके लिए ये होगा। ध्यान से देखना, अगर बात करते हैं दोस्तों यहीं पर, तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है यहां से लेकर यहां तक, ये हृदय का, ध्यान से सुनना, दिस इज लेफ्ट पार्ट, यहां से लेकर ये वाला पार्ट। फिर सिस्टमेटिक तरीके से अगर बनाया दोस्तों, तो ये हार्ट को इस तरीके से मैंने बनाया और यहां पर भी इस तरीके से बनाया। सेम टू सेम हृदय का अगर बात करते हैं तो ये वाला पैटर्न भी आपको दिखेगा, और ब्लू वाला जो पैटर्न है इसका मतलब ये भी आपको रिप्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद में अगर मैं डिजाइन करूं दोस्तों, इसी के नीचे अगर डिजाइन करता हूं तो शायद आपको पता चलेगा ये वाला पार्ट, और इसी के नीचे मैंने इस तरीके से इंडिकेट करके ये वाला पार्ट बनाया। एक एक पॉइंट को समझना यार, काफी क्लासिकल डायग्राम लेके आ रहा हूं आपके लिए। और जब यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं दोस्तों, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से मैंने डिजाइन किया, दिस इज हार्ट। और इसका डायग्राम सिस्टमेटिक तरीके से आपको वीडियो में इमेज क्रिएट कर आपके दिमाग के अंदर सेट करूंगा, बस दिमाग में आपको सेट करना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये हृदय के इस तरीके से पार्ट आपने देखे होंगे, और नहीं देखे तो दिमाग में सेट रखना है। अब यहां पर अगर इमेज बनाता हूं दोस्तों, तो हमारा हृदय जो होता है, हमारा हृदय धांसु होता है, तो धांसु को अगर तोड़ेंगे तो धर से आएगा दोस्तों धमनी, और धमनियों में कैसा रक्त बहता है जिसको शायद आप सुनोगे, सर ये शुद्ध रक्त। धांसु, धमनी और धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, बस दिमाग में आपको सेट रखना है। और हृदय का कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग तो दोस्तों सबसे पहले फ्रंट में, आपके फ्रंट में अगर हार्ट है तो ये हार्ट का राइट होगा, और ये हार्ट का कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। अगर देखा जाता है तो आप मैथमेटिक्स में लेफ्ट और राइट इस तरीके से लिखते हैं, लेफ्ट और राइट इस तरीके से लिखते हैं, जबकि हृदय को सॉल्व करते समय आपको राइट पहले लिखना है, फिर कौन सा लिखना है, लेफ्ट लिखना है। तो चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएगी, चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएगी। ध्यान से देखना, अब एक एक चीज के लिए आपको क्लियर करते हैं दोस्तों, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना, अगर मैं सारा सिस्टमेटिक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूं दोस्तों, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपके लिए, अगर मैं सीधा अगर किसी सिस्टम की अगर बात करता हूं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं दोस्तों कि ये वाला जो यहां पर मैंने डिजाइन किया है, ध्यान से देखना, ये वाला जो डिजाइन किया है, यहां से ये वाला ब्लड इसके अंदर प्रवेश करता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला ब्लड मैंने यहां से इस तरीके से प्रवेश कराया है, फिर ये ब्लड धीरे 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 इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ। ध्यान से देखना, एक एक चीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। ये वाला पार्ट इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया दोस्तों, तो आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है, ग्रीन कलर का जो पार्ट किया मैंने, इसी के अंदर अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ये शुद्ध रक्त प्रवेश कर रहा है, दिस इज शुद्ध रक्त। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ध्यान से देखना, अगर प्रॉपर तरीके से इसको समझे तो ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट किया है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसी को शायद आप लोग समझेंगे कि ये अशुद्ध रक्त है, जिसको शायद आपने इम्प्योर ब्लड कहा है। दोस्तों देखना, बहुत प्रैक्टिकल चीज आपके लिए लेके आ रहा हूं, चीजें आपके डायग्राम आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में अगर उतर गया ना तो डेफिनेटली सर्कुलेटरी सिस्टम के एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसके अंदर ये अशुद्ध रक्त प्रवेश कर रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अशुद्ध रक्त की अगर ये है तो ये यहां से इस तरीके से इम्प्योर ब्लड यहां से बाहर निकलेगा। फिर अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट भी आपको रिप्रेजेंट करना है, यहां पर भी इस तरीके से ये बाहर निकलेगा। फिर शुद्ध रक्त की बात करते हैं दोस्तों, तो शुद्ध रक्त को ये डिजाइन किया यहां से, तो ये शुद्ध रक्त यहां से बाहर निकलेगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट किया, ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट किया और ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट किया, एक एक चीज को ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों, सारी चीजें। यहां पर वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, इसका मतलब फोर, फाइव और दिस इज सिक्स। ध्यान से देखना ये वाला पार्ट जो आपके स्क्रीन के सामने है, ये वाला पार्ट, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, यहां पर सारी चीजें आपके लिए दिमाग में सेट करूंगा दोस्तों। अगर यहां पर लिखता हूं तो ये वाला हरने का अगर बात करते हैं, लेफ्ट और राइट में बड़ा दिक्कत होता है। आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे लेफ्ट और राइट के अंदर। ध्यान से देखना रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। अभी मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल चीज भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाई ना, उसी को मैं रियल में डिजिटल क्लास के जरिए आपके दिमाग में सेट करूंगा। राइट हैंड साइड ये है, आप अपना हाथ उठाएंगे राइट हैंड साइड का, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है। यहां पर आपने दिस इज, ये राइट हैंड साइड लिखा आपने, राइट हैंड साइड का आपने इस तरीके से ये बनाया, तो इस तरीके से बना पर ये स्मॉल बी बन रहा है, शायद आपको पता है दिस इज स्मॉल बी। तो ए बी और ध्यान सुना, ए बी सी और सी के बाद में क्या आएगा, डी। तो जो राइट हैंड साइड से बना है उसी को आप लोग कौन सा भाग कहेंगे, दाया। रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ए के दाई और ए के दाई और बी है, तो दाया बाया बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप बनाइए सामने से इस प्रकार से, तो स्मॉल डी बनेगा तो ये दाया, और अगर यहां पर लेफ्ट में बनाऊं तो दोस्तों ये इमेज बनती है, तो ये ए और ए के बाद में बी, तो ये कौन सा भाग होता है यार, इतना तो पता ही है बाया भाग। एक एक चीज को ध्यान से देखना, इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले अगर हार्ट की अगर बात करते हैं, यहां से ध्यान से सुनना, एक एक चीज में अगर बात करते हैं, एक एक चीज के अंदर आपकी क्लियरिटी के लिए क्या आता हूं, तो दोस्तों आप दिमाग में सेट रखना सारी चीजें आपके लिए क्लियर होगी। थोड़ा सा बस ध्यान रखना एक एक चीज के अंदर, ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक चीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी जो मैं आपके सामने, ये स्क्रीन के सामने जो लेके आया हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो अभी जो मैं आपके स्क्रीन के सामने लेके आया हूं, फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, और ये लंग्स आपके सामने बने हुए हैं, ब्लड की पंपिंग किस तरीके से होती है, ध्यान से देखना। ये मेरा डायग्राम है और ये डिजिटल डायग्राम है। अब ध्यान से देना कैसे पंपिंग हो रही है, किस तरीके से फॉर्मेट आप लोग लेके जा रहे हैं। तो अगर मैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं, ध्यान से देखना, वो ये है कि अगर शुद्ध रक्त की बात करते हैं, तो शुद्ध रक्त के अंदर सबसे पहले अगर मैं यहां पर इमेज बनाता हूं आपके लिए, तो ये वाला आपके लिए मुख गुहा है, माउथ कैविटी है, और यहां से शायद आपको पता चलेगा कि सर ये आप जो बना रहे हैं दिस इज लंग्स, जिसको बोलते हैं फेफड़े। इसका मतलब व्यक्ति ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, करेगा ही वो तो, और ऑक्सीजन को प्राप्त करने वाली आरबीसी, आरबीसी का काम ही होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को लाना, लेकिन उसके लिए पंपिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर इंडिकेट करता हूं आपके लिए, सबसे बेस्ट लिख आता हूं, तो ये वाला जो किया है ये ऐसे नोड कहलाता है जिसको साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये वाला जो कहलाता है दोस्तों, इसी को आप लोग एट्रियम बोलते हैं, जिसको शायद आपने आलिंद सुना होगा, ध्यान से सुनना, शायद आपने आलिंद के नाम से सुना होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं दोस्तों, तो आपके स्क्रीन के सामने चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना,
ये आपके सामने है, एरोटिक वाल्व भी है, सर आपको पता चल गया, इसी के अंदर सुपीरियर वेना कावा टू लंग्स टू नॉर्मल टू हार्ट, अगर बात करते हैं नॉर्मल टू हार्ट, इंफीरियर वेना कावा, ये सारा पुलमोनरी वॉल दे रखा है। तो मेरा यहां समझाने का तरीका ये है कि ये आलिंद एट्रियम कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये है दाया आलिंद। और दोस्तों ये वाला कहलाता है, ध्यान से सुनना, आलिंद, ध्यान से सुनना, आलिंद नीले, आलिंद नीले, और क्या कहा जाता है, कपाट। इसी के अंदर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नीले, ये नीले वाला पार्ट है, ये आलिंद नीले का पार्ट है। और ये जो कहलाता है दोस्तों, इसी को शायद आप जानते होंगे, ये कहलाता है एवी नोड के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो कहलाता है, शायद आपको पता चल गया होगा सर कि ये बता रहे पुलमोनरी वाल के नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना, जिसको आप लोग शायद बोलते हैं दोस्तों फुफ्फुसीय, कई बार आपने यूज किया होगा, फुफ्फुसीय कपाट के नाम से जाना जाता है। वापस सुनना, ये आलिंद है, ये आलिंद नीले कपाट, ये नीले, सेम टू सेम इधर भी तो होगा, ये आलिंद नीले कपाट, ये नीले, और ये वाला जो वाल कहलाता है एरोटिक वाल, जिसको मैंने डिजिटल क्लास के जरिए मैंने आपको बताया, ये एरोटिक वाल है, जिसको बोलते हैं आप लोग महाधमनी कपाट, ये फुफ्फुसीय कपाट कहलाता है। यहीं पर अगर बात करते हैं तो ये आलिंद नीले कपाट, ये नीले, और यहां पर एबी नोड, और ये कहलाता है एसए नोड। और यहीं पर अगर बात करते हैं तो यहां पर आलिंद, आलिंद नीले कपाट, यहां पर नीले, और ये कहलाता है एरोटिक वाल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये एरोटिक वाल का पूरा पार्ट है, जिसके अंदर हृदय का पंपिंग का सिस्टम होता है, शायद आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर टू दी पॉइंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, आपके लिए मैंने कुछ एक पंपिंग के लिए, कुछ पंपिंग कैसे वर्क करता है उसको मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखना एक ही चीज को, दिस इज पंपिंग का पार्ट, दिस इज पंपिंग का पार्ट, अब ध्यान से देखना, ये जो पंपिंग का पार्ट है दोस्तों, ये पंपिंग कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला आलिंद वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, दिस इज आलिंद, दिस इज नीले, आलिंद नीले कपार, दिस इज नीले, और यहां पर अगर बात करते हैं तो ये वाला एरोटिक वाल है। तो शुद्ध रक्त जैसे ही प्रवेश करता है तो शुद्ध रक्त के अंदर आलिंद और नीले, आलिंद खुलेगा, नीले बंद, आलिंद बंद, नीले खुलेगा, तो इस तरीके से पंपिंग होती है। तो बार बार हृदय जब पंप करेगा तो ब्लड एक साथ जो है वो शरीर के अंदर एक साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा। तो शायद आपके स्क्रीन के सामने जो नजर आ रहा है वो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस तरीके से ब्लड होता हुआ, ये देखिए ब्लड का कैसे संवेदना सिग्नल मिलती है और पंपिंग के थ्रू डायरेक्ट जो है, ये कपाट है, ये कपाट वाला पार्ट है, इधर वाला कपाट, इधर वाला कपाट, इधर वाला कपाट, फैलते सिकुड़ते, फैलते सिकुड़ते, और शानदार इस तरीके से पंपिंग होती, शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये कि दोस्तों जब पंपिंग होगी तो एक सेकेंड के अंदर अगर बात करते हैं, पंपिंग हो गई दोस्तों, ध्यान से देखना, जब पंपिंग हो जाती है तो पंपिंग होने के तुरंत बाद शुद्ध रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और ऑक्सीजन जब पहुंच जाती है, ये डायग्राम को ध्यान से देखना आप लोग, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक टॉपिक आपके लिए समझ में आएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखना। अगर मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेके आऊं दोस्तों, ये वाला पार्ट जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ध्यान से देखना, यहां वाला अगर बात करते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो शायद आपको बेसिकली क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों, यहां से ध्यान से देखना, अगर मैं इसी के अगर पार्ट में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वाला प्रवेश कर रहा है, फिर इधर से होता हुआ, इधर से होता, इधर से होता हुआ बॉडी, फिर अगर बात करते हैं यहां पर, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ ये वाला वापस,
इसका मतलब यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो कहलाता है, ये कौन सा रक्त आपके सामने रिप्रेजेंट किया? अशुद्ध। इसका मतलब ये CO2 चली गई कहां पर? लंग्स के पास। और ये जो चला गया है, ये चला गया है दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न अविभिन्न अंगों तक। इसका मतलब बॉडी में क्या चली गई है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ब्लड हमारे शरीर के अंदर पंपिंग कर रहा है। और जब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं डायग्राम को, तो शायद आपके स्क्रीन के सामने एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब यहां पर सबसे पहले अगर ब्लड की बात करते हैं, तो शुद्ध रक्त जो प्रवेश करता है, ध्यान से सुनना, शुद्ध रक्त प्रवेश कर रहा है कहां? बाईं ओर। कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड। यहां से प्रवेश करते हुए आलिंद में प्रवेश करते हुए फिर आलिंद नीले कपार से होता हुआ अंतिम बार शुद्ध रक्त हृदय में एरोटिक वाल से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। फिर अगर मैं डिजाइन करता हूं, अशुद्ध रक्त यहां से प्रवेश करेगा, ध्यान से देखना, अशुद्ध रक्त यहां से प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद आलिंद आलिंद नीले कपाट, फिर नीले और अंतिम बार फुफ्फुस के कपाट से निकलकर शरीर के, अगर बात करते हैं तो वो कहां तक पहुंचता है? शायद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शायद आपको पता होना चाहिए ये कहां तक पहुंचेगा। ये अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़े CO2 को ग्रहण करके शरीर से बाहर निकालती है। मनुष्य का हृदय बाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहलाता है? इसका मतलब बाई सर्कुलेटरी सिस्टम द्विपरिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट ए टाइम शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों को क्या करता है दोस्तों? वो पंप करता है, दोनों को पंप करता है। इसीलिए बाई सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। चार कोष्ठ होते हैं, ऊपर के दो आलिंद और नीले, नीचे के दो नीले। तो इसका मतलब चार चेंबर है मनुष्य के हृदय में। अगर बात करते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है, इसका मतलब दाया आलिंद दाया नीले से, दाया आलिंद नीले कपाट से जुड़ा होता है, ध्यान से सुनना। उसी प्रकार बाया आलिंद बाया नीले से, बाया आलिंद नीले कपाट से जुड़ा होता है। तो ये सारा सिस्टम आपको सेट होना चाहिए। अगर बात करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी आपके सामने शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड की बौछार करनी, ब्लड को पहुंचाना है, ऐसा तंत्र जो लिया गया भोजन के पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसी के अंदर अगर बात करते हैं दोस्तों, फिर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि कैसे किस तरीके से जाता है, फिर मैंने हार्ट को आपको डायग्राम समझाया, और इसी के अंदर बात करते हैं, फिर मैंने रियल में प्रैक्टिकली चीजें आपके दिमाग में डाली और ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी के साथ में अपन नेक्स्ट आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। बस एक ही चीज है दोस्तों, आप दिमाग में सेट रखना, जिन बच्चों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बीच में कभी भी आ सकता हूं, ऑफलाइन क्लास जैसे ही फ्री हुई मैं ऑनलाइन के अंदर आ जाऊंगा। टाइम मिलते जैसे मैं आपके बीच में आऊंगा डेफिनेटली आऊंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लगभग सारे वीडियो उसमें डाल चुका है, लेकिन कुछ वीडियो है उसमें आते रहेंगे, 200-250 वीडियो सारा मिलता रहेगा। लेकिन सबसे लिए आपके लिए खुशखबरी ये दोस्तों कि जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक प्रोमो कोड होगा। अगर प्रोमो कोड के द्वारा आप एप्लीकेशन को अगर आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको पेटीएम के अंदर कैशबैक में मिलेगा अप टू 100 रुपीज तक। तो ज्यादा से ज्यादा उस एप्लीकेशन को शेयर कीजिए। एप्लीकेशन का नाम सिंपल है, मेरा ही नाम है मांगेलाल चौधरी सर के नाम से। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कैसा लगा मांगेलाल का झटका? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।